भी अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि लर्निंग बाय सीइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। हम देख के सीखते हैं, करके देखते हैं। कोई भी काम है और उसको जब हमें अच्छा लगता है तो हम देखते हैं। तो आज जो मेरी स्टोरी रहेगी आपके से मिलती जुलती रहेगी और मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और ये एक्चुअली मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, और यदि ऐसा हो रहा है तो आप डायमंड जा सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बहुत सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, जब एमबे इंडिया में आया था तो उस वक्त मैं जब इस बिजनेस में आया था तब सेकंड भी एनिवर्सरी चल रही थी, आज 26वीं है। माने कहने का मतलब है उस साल जिस साल में जुड़ा था तो उसकी दूसरी एनिवर्सरी थी, माने 24 साल मुझे भी हो गए हैं एमबे के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए। मेरी मेडिकल है, मेरी वाइफ चंद्र प्रभा, और हम दोनों आज आप सभी को जो हमारा 24 साल का अनुभव है, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक सीनियर इतने 24 साल एमबी के साथ गुजारे हैं, तो मैं आप सबको एक बहुत बड़ी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी ईमानदार कंपनी, इतना ध्यान रखने वाली कंपनी लोगों का, और इतना बढ़िया कल्चर मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखा है ना कभी कोई देखने को मिलेगा। क्योंकि तो मैंने बिजनेस किए, मैं टीचर रहा हूं, मैंने करीब 17 साल मेडिकल चला के देखा है। ये मुझे पहली ऐसा बिजनेस मिला जहां पर यह सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है ना। नहीं तो बिजनेस में ऐसा कहते हैं कि झूठ के बगैर बिजनेस चलते नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इस बिजनेस को देखा और इसका जो कल्चर देखा, जब एक मीटिंग अटेंड करने गया तो मैंने वहां के एमबे के लोगों को देखा, एमबे के कल्चर को देखा, और चूंकि मैं जिस बैकग्राउंड से निकल के आया था, वहां झूठ झपाट, माने लोगों को यूज करना, लोगों के साथ कैसे बदमाशी कर सकते हैं, कैसे लोगों को माने बेवकूफ बना सकते हैं, उस कल्चर में से निकल के मैं इस कल्चर में आया और मैंने देखा, तो मैंने बोला कि यार ये तो दुनिया ही निराली है, दुनिया ही अलग है। और मैं इतना इम्प्रेस हो गया मैंने कि कुछ हो या ना हो, मनोज भाई भले अपन मेडिकल से पैसे कमाएंगे लेकिन यहाँ सुधरने का मौका तो मिलेगा, और ये सुधार के लिए बहुत सही रहेगा। ये कैसे रहेगा? तो बस इस एटीट्यूड से मैंने वो मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करके मैं वापस देवास आया। देवास में आया तो मैंने जिन लोगों को देखा, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे थे उस वक्त जो मुझे अप्रोच कर रहे थे, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी कभी लगता है कि ये जो आदमी है इसके पास कुछ नहीं था इसलिए इसने एमबी कर लिया, या ये आदमी यूं ही माने ऐसे ही था और इसलिए मुझे एमबी के लिए अप्रोच कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है लोगों के लिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था, मैंने क्या देखा था वो बताता हूँ। मैंने दो लोगों को देखा था। एक व्यक्ति दिल्ली आईआईटी से पढ़ा हुआ था, और जो हमारा कभी ड्रीम हुआ करता था, हमारी एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आईआईटी बनेगा, हमारा बच्चा पढ़ लिख के एमबीबीएस एमडी करके डॉक्टर बनेगा, ये हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। हम लोग एक आम बात कर रहा हूं मैं, आम लोगों की, और उसी में से एक मैं था। मैंने जब उन दोनों को देखा तो एक आईआईटन था, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए, तो दूसरे इंदौर मेडिकल कॉलेज से उनने एमबीबीएस किया था और स्किन स्पेशलिस्ट थे। जो हम बनना चाह रहे थे वो ऑलरेडी बने हुए थे, और वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि इस बिजनेस को करना चाहिए, इसमें आपका भविष्य उज्जवल है। अब दो बातें थी। पहली बात यह थी कि या तो वो लोग पागल हैं, और दूसरी बात यह थी या तो मैं पागल हूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब मैं उसके बाद इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा था, और मैं इसमें मीन मेक निकाल रहा था, क्या वो इतने समझदार नहीं रहे होंगे कि उनको ये समझ में नहीं आता होगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ही इज ए ब्रिलियंट मैन, मैंने कि अपन इनको फॉलो करते हैं, इनकी अपन बात मानते हैं, और यदि कोई चीज बोल रहे हैं तो मैंने कि मनोज भाई भले समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो है। और बस मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत डरते डरते बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये डर क्यों लगता है मैं बता देता हूँ। मुझे डर क्यों लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में मालूम था कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको
आप अपने निर्णय अपनी क्षमताओं को देखते हुए लेते हो कि मैं ये कर सकता हूं और ये मेरी लिमिटेशन क्या है, मैं किस बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपको अभी एक बात नहीं मालूम है कि भगवान ने हमें वो शक्ति दी हुई है जो हमें आज तक मालूम नहीं, छुपी हुई है। जैसे हनुमान जी को मालूम नहीं था कि वो पूरे समुद्र को उड़ के छलांग एक छलांग में उस पार जा सकते, श्रीलंका जा सकते, उनको नहीं मालूम थी। ऐसे हमें भी नहीं मालूम है हम क्या कर सकते हैं। हम जो इतना जानते हैं, जितना हमें बताया गया है, जो हमारी समाज ने हमें सिखा दिया है, उन बंधनों में हम बंधे रहते हैं और हमें लगता है कि हम तो ये बिल्कुल चूजे हैं, चिकन है हम, हमें ऐसा लगता है। ऐसे ही मुझे भी लगता है, मैं डर रहा था कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। लाखों की इनकम बताई जाती थी, मुझे लगता था कि नहीं यार हजारों की बात करो तो मेरे लायक है बिजनेस, लाखों लायक तो मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता था। और बस मैंने डॉक्टर साहब पर भरोसा किया और उनने ये बिजनेस स्टार्ट करवाया। यहाँ पे मैं आपको सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं सफल क्यों हूंगा। आपको लगता है कि मैं भी डायमंड जाऊं, मेरी डाउनलाइन भी डायमंड जाए, मैं डायमंड क्यों गया? जो काम मेरे साथ हुए हैं वो काम आप, यदि आपने MBBS किया है, यदि आपने BTech किया है, और यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी MBBS और BTech में जाए, उसी कॉलेज में पढ़वा दो जिस कॉलेज में आप पढ़े थे। यदि उस कॉलेज में वो पढ़ने लगे तो वो भी BTech करके वो भी इंजीनियर बन जाएगा, वो भी MBBS करके मेडिकल सर्जन बन जाएगा। सेम जो मेरे साथ हुआ है वही मैं अपनी डाउनलाइन के साथ करूंगा, या आप अपने डाउनलाइन के साथ करोगे वही। मुझे मुझे शुरुआती दौर में भयंकर डर लगता था और मैं डर के कारण मीटिंगें अवॉइड करता था, लेकिन धन्य हो हमारे स्पॉन्सर का जो हमें इस बिजनेस में लेके नहीं आए थे, उनने बिल्कुल ये गारंटी दे दी थी कि तुम यदि मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सफलता के नजदीक ले जाके खड़ा कर दूंगा। मैंने उनकी बात मानी, मैं उनके साथ मीटिंग्स अटेंड किया, मैंने सीखने की कोशिश की। अभी आपको एक स्लाइड दिखाया था हिंदी में, वो वीडियो था कि हम लोग सीखने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, वो जिंदगी में किसी भी पायदान पर जा सकता है। बस हमारे अपलायन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, मैंने उनकी बात मानता गया। वो जहां जहां बोल, हम छुपते थे, मेरी आप सीडी कभी सुनना कभी आएगी तो उसमें मैं बताता हूँ कि मैं छुप जाता था, मुझे मीटिंग में नहीं जाना पड़े। लेकिन धन्य हो उस अपलायन का, धन्य हो आप सबका कि आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और पीछे लगे रहे, तो आदमी एक दिन सफल हो गया और मैं डायमंड बन गया। वो हमें ले जाते थे, हमारे लिए काम करते थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ किया, मेरे आपको लग रहा हो कि आपके साथ किया, यही करना पड़ेगा सबको, यही काम सबके साथ आपको कर, 6 कपल के साथ वो काम कर दो कि उनको मीटिंग अटेंड करवाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहो, उनके लिए बताते रहो उसके इम्पोर्टेंस, बताते रहो कि मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, सीखने का क्या। उनने मुझे बताया कि सीखना क्यों जरूरी है, एप्रिशिएट किया मुझे, उनने मुझे डांटा डप्पी नहीं की। उनने उनने ये नहीं कहा कि अरे तुम तो गधे हो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे LOC तो तुम एसेट को एसेट बोल देते हो, क्या है ये सब। मैं बीच बीच में एसेट तो एसेट बोल देता था, है ना। तो ये सब रहा, और इन सब वो जो शुरुआती दौर थे वो 9%, 12%, 15% इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 वो चीज इम्पोर्टेंट जो मुझे आज समझ में आती है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यदि कोई चीज है तो वो शुरुआती दौर पर जो आप लोगों की केयर करते हो, शुरुआती दौर पर जो आप लोगों को मदद मानसिक रूप से हेल्प करते हो, शुरुआती दौर पर जो आप लोगों को ये फेथ दिलाते हो कि तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस बिजनेस में सफल होगे, वो जो शुरुआती दौर की बातें रहती हैं वो मैंने देखा है कि आगे जाके आदमी को स्ट्रांग लीडर बनाती है। और फिर हम बोलते हैं ये सब कुछ हमने किया है, मनोज स्थापक ने कुछ भी नहीं किया है, वो तो हमारे शुरुआती दौर के जो गुरु थे डॉक्टर संजीव शर्मा और सुमित बहादुर, उन लोगों ने जो उस वक्त जो मुझे ट्रीटमेंट दिया, उसको ट्रीटमेंट कहूंगा, इट्स कॉल्ड ट्रीटमेंट। जैसे कोई आदमी बहुत सीरियस रहता है, बीमार रहता है, और जब उसको डॉक्टर सही ट्रीटमेंट देते हैं तो वो स्वस्थ हो जाता है, ऐसे मैं भी बिल्कुल आर्थिक बीमारी का शिकार था, समय की बीमारी का शिकार था, मेरे पास समय नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर मैंने लिया। देखो देना एक अलग चीज होती, लेना भी चाहिए।
मैंने लिया तो आज मैं सफल हुआ। मैं अपनी जर्नी बताऊंगा दोस्त, एमबे में मैंने एमबे को 24 सालों में देखा है, और हर 5 से 6 साल में एमबे में एक ऐसा ग्राफ जाता है, और फिर थोड़ा सा ऐसा होता है, हल्का सा, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा होता है, मैंने देखा है। और ये जो ग्राफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, उन ग्राफों में से मैं निकला हूँ, और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं एमबे की जर्नी में, और बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, और कुछ चीजें ये भी बताऊंगा। तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे बताया गया था कि सबसे पहला काम क्या है, क्या जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तो वो जो चीजें थी वो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनने बताई मुझे कि मनोज भाई, इस बिजनेस में यदि आप सफल होना चाहते हो तो 100% प्रोडक्ट यूज करना। तो मुझे तो ये मालूम था कि लोगों को लाने का बिजनेस है ये, और पहला बिजनेस देखा था क्योंकि मेडिकल में चलाता था, तो मेडिकल में यदि कोई बोलता था कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेंगे, तो मैं सर यदि सारी एक एक गोली सब रोज खाता तो मैं तो भगवान जाने कहाँ पहुंच जाता। लेकिन ये पहला बिजनेस देखा कि इसमें सफलता का जो पहले ही मूल मंत्र था वो ये बताया गया था कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, जो आपके घर में उपयोग होते हैं उन प्रोडक्ट। 100% का मतलब ये नहीं है कि आप जो नहीं लगता है वो मत यूज करो, लेकिन जो लगे, साबुन आप यूज करते हो तो साबुन आपको यूज करना है, यदि आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू यूज करना है, यदि आपके यहाँ कपड़े धुलते हो तो कपड़े धुलना चाहिए, यदि आपके यहाँ पोछा लगता तो ये होना चाहिए, ये मुझे बताया गया। बस मैंने कि इतना सा बोला, हाँ ये यदि आपने पहली क्वालिफिकेशन है, यदि आपने प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिए, दैट्स फिनिश, मैंने प्रोडक्ट यूज करना चालू किए। अब उसमें मुझे चैलेंज आए, चैलेंज क्या है, मुझे लगा कि ये सस्ता महंगा है, जब मैंने देखा कि यार ये तो बोल रहे थे कि ये बॉटल 4 महीने चलेगी और मेरे यहाँ तो 1.5 महीने में ही खत्म हो, तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने यार सर आप तो बोल रहे थे 4 महीने चलेगी, तो बोले इसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। तो भाई ये रेडी टू यूज नहीं है, ये रेडी करके यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा सर, मुझे मालूम नहीं था। फिर मैंने ट्रेनिंग दी, यदि आप मुझे प्रोडक्ट महंगे तब तक लग रहे थे जब तक मैंने इनकी ट्रेनिंग नहीं ली थी, जैसे ही मैंने ट्रेनिंग ली आप मानोगे नहीं, वाह करके रह गया, और मैंने प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। मैंने अपनी पहला फर्स्ट जो स्टेप था वो 100% पूरा किया। मैंने देखा है कि आदमी, अब आपको 100 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। अब आपने पहली सीढ़ी कभी चढ़ी नहीं है, पहला पायदान आपने कंप्लीट किया ही नहीं, और आप सोच रहे हो भगवान के दर्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहला पायदान था 100% प्रोडक्ट। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि यदि आपको मनोज भाई प्रोडक्ट अच्छा लगा है, आप लोगों से बताओ और लोगों को चर्चा करो, और लोगों को बताओ कि यार मेरे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने लोगों को बताना चालू किया, तो लोगों ने, जब मैं बताता था तो बताने के दो तरीके होते हैं, है ना, एक तरीका ये होता है कि फलाना आदमी बहुत अच्छा है इतना कह के बात खत्म हो गई, और एक तरीका ये होता है कि आपने उसकी फोटो दिखाई, आपने उसके गुण बताए कि वो इतना बढ़िया आदमी है, ईमानदार, तो आप उससे इम्प्रेस होते हो। हमने उसी तरीके से प्रोडक्ट प्रस्तुत किया, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, सुमित जी ने बताया, हमारे ट्रेनर्स उस वक्त के, उन ट्रेनरों ने बताया कि आप मनोज भाई ऐसे प्रोडक्टों की प्रस्तुति करोगे। और मुझे एक शुरू से ही मालूम पड़ गया था, एक्चुअली मैं, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि कैसे प्रोडक्ट बिकेंगे वो आज आपको मंत्र बताता हूँ। मेरे पास कार नहीं थी और मैं कार चलाना जानता भी नहीं था। मैं एक कार खरीदने गया, सबसे पहले मैंने टाटा की इंडिका खरीदी थी, तो जब मैं वहां गया तो उस शोरूम वाले ने मुझे चाबी दे दी, और उन्होंने बोला जाओ टेस्ट ड्राइव कर लो। उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमसे कार बनती है कि नहीं बनती, उसने ये भी नहीं देखा कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मैंने कि यार ये 5 लाख की गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, वो तो अच्छा था कि मेरे साथ जो मित्र गया था वो चलाना जानता था, उसने टेस्ट ड्राइव लिया, लेकिन उसने मेरे से पूछ ही नहीं। मैंने देखा वहां एक शिक्षा लेके आया कि जब ये आदमी 5 लाख की कार मुझे टेस्ट करने के लिए दे सकता है, तो क्या मैं एक 2 रुपए का शैंपू का पाउच आदमी को टेस्ट करने के लिए, बस वो मुझे दिमाग में आई बात। मैं क्या करता था कि लोगों को टच एंड फील करवा के टेस्ट करवाता था प्रोडक्ट कि ये मेरी कपड़े धोने की बॉटल है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, आइए लाइए अपनी बाल्टी, मैं उसको थोड़ा सा ढक्कन में लेता था और उनको डाल के दिखाता था कि देखो ऐसे प्री वॉश होता है, ऐसा लगाना पड़ता है, वो करके देता था।
आप मानेंगे नहीं, मेरे पास माने करीब 250-300 लोग तो सिर्फ ऐसे अटके मैंने ग्राहक तैयार कर लिए। ये काम यदि आप सीखते हो और लोगों को टेस्ट करवाते हो, यदि लोगों ने शुरुआत में चाय पी दो ना, आप चाय, ये चाय पहले फ्री में पिलाई थी लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फ्री में प्रोडक्ट यूज करो, आप टेस्ट करवाओगे आदमी की जुबान पे, दी एक बार लग गई चीज तो फिर वो आदमी आपका मुरीद हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने अपना बिजनेस चालू किया, मेरा प्रोडक्ट बिकने लग गया, प्रोडक्ट सेलिंग पे मैंने बहुत फोकस किया और मैंने प्रोडक्ट बिकता गया बिकता गया। फिर धीरे धीरे अब मैंने, मुझे लगा एक हमारा एक और था डॉक्टर साहब की एक दूसरी लेग थी, वो देखते ही देखते बहुत लोगों को ज्वाइन करवा रहा था, मैं ज्वाइन नहीं करवा रहा था, मैंने कि ज्वाइन नहीं हो रहे लोग, क्या बात है। तो मैंने देखा कि वो उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये थी कि वो मीटिंगों में लोग भर भर के ले जाता था, मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं थी, मैं लोगों को मीटिंग में ले नहीं जा पाता था। तो मुझे ये समझ में आया कि जो दिखता है वही बिकता है, मैंने लोगों को दिखाना तो पड़ेगा। और बस मैंने अपने लोगों को मीटिंग में प्लग करना चालू, लोगों को मीटिंग में ले जाना चालू, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही लोग मीटिंग में गए मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सब कुछ वो ही करते थे। तो आपको करना क्या है कि आपको मैजिक बने रहने की बजाय आप लोगों को मैजिक दिखाने ले जाओ कि देखो ये मैजिक है, ये जो मीटिंग हो रही है आज की मीटिंग अटेंड करवाओ। अभी फिजिकल फंक्शन होने लग गए हैं, हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार हो रहे हैं, आपके शहर में हुआ होगा, उसमें आप अपने लोगों को दिखाओ। मैंने देखा है कि 100 बका और एक दिखा, 100 बार आप बोल दोगे वो नहीं आदमी भरोसा करेगा, लेकिन एक बार दिखा दोगे वो आदमी भरोसा करता है। तो दिखाने की आदत डालो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो डेमो हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो अपलाइन हो। अपलाइन के बारे में 100 बातें करने की, एक बार दिखा दो अपलाइन को, लिए आप वो आदमी मान जाए कि नहीं वाकई यार सुमित बहादुर ऐसे होते हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा ऐसे होते हैं, ऐसा होता। तो बस मैंने अपनी जर्नी चालू की, दोस्त धीरे धीरे मैं बिजनेस करता चला गया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसमें कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये करा जाता है, एक ही ग्रुप था उस पर लगा रहता था, वो 9% अपन 9%, वो 12% अपन 12%। तो पैसे ही नहीं आ रहा था मेरे पास, मैंने लोगों से बोला यार, मैंने कि मेरे पास आप 12% पे हैं और पैसे नहीं आ रहा, ये मैंने कि झूठ वूट तो नहीं बोल रहा तुम लोग, क्या समस्या क्या है ये। तो फिर एक दिन हमारे अपलायंट ने फिर समझाया मुझे, बोले आप मनोज सुनते नहीं हो, आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी, हमारी बात को गौर करना पड़ेगा, हम जो बातें बताते हैं, हमने हमेशा बोला है कि कम से कम आपके मार्केट कुछ डेवलप होना चाहिए, लैग्स आपके एक दो मार्केट होना चाहिए। मैंने सर आपने बोला, हमने हमेशा बोला, लेकिन तुम धुन में धुन में रहते हो और अपनी अपनी चलाते रहते हो। तो अपलाइन को कभी कभी मैंने यहाँ ये सीखा कि मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपलाइन को सीरियसली सुन नहीं रहा था। जब मैंने अपलाइन को सीरियसली सुनना चालू किया, उनकी बातों पर गौर करना चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि हमेशा तो बोलते हैं कि भैया एक मार्केट है, दो मार्केट है, तीन मार्केट है, तो आपको बीबीआई मिलेगा, बीएफआई मिलेगा, अब हम एक ही एक पे लगे हुए हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपना स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाना चालू किया, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया। मैं पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा था, मैं अपने मेडिकल को भी, मैंने देखा है कि कुछ लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो परिवार नेगेटिव हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपलाइन ने बहुत अच्छी बात सिखाई, सबसे बढ़िया बात सिखाई, और ये मैं हमेशा लोगों से भी बोलता हूँ, चाहे वो नौकरी वाले हो, चाहे वो बिजनेस वाले हो, चाहे वो कोई भी आदमी, इसमें आपको प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगी, और वही आदमी एमबे में सफल होता है या जिस चीज में जिंदगी में सफल होता है जिसको प्रायोरिटी सेट करना याद होती। मैंने प्रायोरिटी सेट की, सबसे पहले नंबर पे भगवान। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे भिड़ते हैं कामों में कि भगवान को भूल ही जाते, तो भगवान बोलता अच्छा हम ही को भूल गए बेटा, भगवान निपटा देता है, भगवान सबसे नंबर 1। दूसरे नंबर पे अपनी फैमिली, कई लोग अपने अपने काम में ऐसे मशगूल होते हैं कि परिवार को ही भूल जाते हैं, तो परिवार उनका विरोधी हो जाता है, परिवार को भी साथ में। और तीसरे नंबर पे अपना प्रेजेंट जॉब, मेरी मेडिकल थी तो मेडिकल, और फोर्थ नंबर पे कोई दूसरी चीज नहीं, मुझे सिखा दिया उन्होंने कि मनोज भाई भगवान को ध्यान रखना, भगवान को भूलना मत, परिवार के लिए कर रहे हैं परिवार का ध्यान रखना, अपनी मेडिकल है क्योंकि आज रोजी रोटी इससे चल रही है, और चौथे नंबर पे एमबे था। अब हुआ क्या कि अब ये चीज गायब हो गई, अब भगवान है मेरा परिवार और मेरी एमबे है। आपने यदि अपने बिजनेस में प्राथमिकता सीख ली, मैं बता दूं आपको कोई दुनिया की ताकत डायमंड जाने से नहीं रोक सकती। प्रायोरिटी इज द मस्ट,
लाइफ में कहीं पे भी, चाहे वो समाज हो चाहे कोई भी, हर चीज की प्राथमिकता। कई लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जिनका कोई जिंदगी में औचित्य ही नहीं है, और कोई लोग ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जिनके कारण जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और वही रीजन है कि आज समाज में असामाजिकता फैलती जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर आपको यही नहीं मालूम है कि हमें किस चीज को कितना महत्व देना है, कौन सी चीज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मैंने जब महत्व दिया, मैंने एमए को प्रायोरिटी पे रखा, तो एमए ने मुझे भी अपनी प्रायोरिटी पे रखा और आज मुझे डायमंड बनाया। यदि आप एमए को प्रायोरिटी पे रखोगे ही नहीं, और आप ये बोलोगे मैं एमए वाला हूं, मैं एमए करता हूँ, और पता लगा एमए के काम पे गए तो सब्जी लेकर चले गए, आप एमए के लिए गए थे किसी के यहाँ राजनीति की बातें कर रहे हो, आप एमए के लिए कह के गए थे वो कहीं पान की दुकान पे खड़े होके राजनीतिक चर्चाएं कर रहा हो, ये एमबे नहीं है मेरे भाई, ये एमबे नहीं है। प्राथमिकता देना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे। मैंने प्रायोरिटी पे रखा और आज मेरा बिजनेस चल गया। दोस्तों मैंने हमेशा से, मैंने मेडिकल क्यों खोला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब तक ये दुनिया है तब तक दवाइयां लगेंगी। मैंने इसीलिए मेडिकल चुना था। कपड़े की कपड़ा भी चलेगा, लगेगा, लेकिन मैंने दवाइयों का सोचा था कि ये ऐसी चीज है कि आदमी के पास पैसा नहीं भी होगा तो कहीं से भी लेके आएगा, लेकिन मेडिकल दवाई, इसलिए मैंने मेडिकल प्रोडक्ट। जब मैंने इस कंपनी को देखा और इसमें देखा कि हेल्थ प्रोडक्ट है, मैंने बोला कि क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पहला सुख निरोगी का आया और दूसरा सुख कुछ करना। मैंने देखा कि इस कंपनी का चलना इसलिए बिल्कुल चलेगी क्योंकि हर आदमी एक चीज से डरता है। आप भी डरते हो, हम भी डरते हैं, अंकित भी डरता है। अंकित यदि डरते हो तो बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ किस चीज से डरता, हर आदमी बुढ़ापे से डरता है। और एक ही कंपनी है एमवे जो हमेशा बोलती है कि आप हमेशा जवान रहोगे, आप हमेशा बिल्कुल लोग एवरी यंग मैन रहोगे। एक ही कंपनी है जो ये दावा करती है, इनके प्रोडक्ट दावा करते हैं कि इनके पास एंटी एजिंग प्रोडक्ट हैं, इनके पास बस मुझे ये चीज समझ में आ गई थी गुरु मैंने कि कुछ चले या नहीं चले, दुनिया में जिंदगी में जब तक इंसान है और तब तक बुढ़ापा है, और आदमी एक ही चीज से डरता है उसका नाम है बुढ़ापा। और ये कंपनी, बस मैंने अपने तीन प्रश्न बोलना चालू किए लोगों से, और उन तीन प्रश्नों के कारण मेरा न्यूट्रलाइट बहुत बिकता है, करोड़ों का न्यूट्रलाइट बेचता हूँ। पहला प्रश्न, सीख लो आप क्या बात करना है लोगों से हेल्थ के बारे में। मैं लोगों को सिर्फ एक चुपचाप रहता हूँ, एक एक छोटा सा स्लोगन छोड़ता हूँ। मैंने कहा यार आजकल कभी सोचा आपने कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं, या लोग बीमार क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा? बस इतना बोल दो, आपको आदमी कम से कम आधा घंटे की रामायण सुनाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, खुद बताना चालू कर देता है। यदि आप बोलोगे कि ऐसा करने से ऐसा नहीं, उससे पूछो क्यों होते हैं, सब में हाँ करते जाओ, अरे वेरी गुड, बहुत सही बोल रहा हो, बात काटिए मत। बस फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछता, है नहीं? आपके हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी कौन सी, आप किस बीमारी को सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी मानते हैं? अब फिर वो चालू हो जाता है, कैंसर फलाना मानसिक, जमाने भर की बातें करता है, फिर चुप हो जाता है, हाँ करते रहो, अच्छा 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 सही है आपका सुन। तो तीसरी बात बोलता हूं, वो उसमें वो उलझ जाता है, मैं उससे बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको पूछता हूं कि आप अपने परिचित, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों में से सिर्फ 5 ऐसे लोगों के नाम बताइए जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि संपूर्ण स्वस्थ हैं, इनको कोई बीमारी नहीं। तो वो मुस्कुराता है, फिर हंसता है, फिर इधर देखता है, उधर देखता है, और फिर धीरे से मालूम क्या बोलता है, जो आपका दिल बोल रहा है, आपका दिल मालूम क्या बोल रहा है, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। वो मैं उससे बोलता हूं कि ये बड़ी विडंबना है मेरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 लोगों के नाम नहीं बता पाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ये नहीं बोल पाए कि एक आदमी आपके सामने बैठा है, 4 का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक आदमी सामने बैठा जो संपूर्ण स्वस्थ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम क्योंकि हमने भी 25 ऑलमोस्ट 26 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और 26 साल में बहुत सारी चीजें हमने देखी अपने लाइफ में। जब एमवे में आए थे, तो हमने देखा कि एमवे का कोई ऑफिस नहीं था, कुछ प्रोडक्ट ज्यादा नहीं थे, बस सिर्फ 5-6 प्रोडक्ट थे, ऑफिस कहीं पे नहीं था। अगर प्रोडक्ट लगते तो कहाँ से लेके आएंगे, बॉम्बे पुणे से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर, वहां से प्रोडक्ट लाना, अगर किसी को
ज्वाइनिंग करवाना है तो वो कैसे करे, उसके लिए पहले फॉर्म भरवाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल लगता था कि ये कैसे होगा। पर फिर हम अपने काम में भी बिजी थे। मेरा शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी, उसमें बहुत सारे बाकी बिजनेसेस भी मैंने चला रही थी, उसमें मेरा पूरा टाइम जाता था। बीइंग अ लेडी, मैं एक दो बच्चों की माँ थी, घर में बहुत सारी चीजें करना पड़ता था, घर का काम, अपने इंस्टीट्यूट का काम और ये आमवे का काम, ये सब कुछ कैसे करें समझ में नहीं आता था। बहुत चैलेंज लगता था, विश्वास नहीं होता था कि ये सब कुछ होगा हमारे साथ। लेकिन जब हमने कुछ लीडर्स को देखा कि उनके साथ ये बिजनेस हो रहा है, लेकिन उन लीडर को देखा जो इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे, तो फिर वापस लगा कि अरे इंडिया को तो कोई नहीं है, तो फिर होगा क्या। ये विश्वास लाने में बहुत टाइम गया, बहुत चैलेंजिंग लगा, लेकिन फिर भी हम मुंबई जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड करते थे, सेमिनार्स अटेंड करते थे, लेकिन यहाँ पुणे से उठ के मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन आज अगर देखोगे तो इतनी सारी मतलब चैलेंजेस जो हमारे थे वो इतने इजी हो चुके हैं कि अभी अगर आपको कुछ भी लेना है तो बस मोबाइल हाथ में ले लो, एक क्लिक किया तो सारे प्रोडक्ट होम डिलीवरी घर आते हैं। आपको ट्रेनिंग लेना है तो मोबाइल पे सारे ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो, सेमिनार्स आप अटेंड कर सकते हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें हर बार घर से बाहर जाना पड़ता था, ऑफिस तक लेके जाना पड़ता था, ट्रेनिंग तक जाना पड़ता था, सेमिनार्स तक जाने पड़ता था, कभी अपनी कार लेके जाते थे, कभी कुछ चैलेंज आया इनका ऑफिस में तो मुझे बस से जाना पड़ता था, ऑटो लेके जाना पड़ता था, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन इसके अलावा हम इस बिजनेस को करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि हमें भी अपने लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें चाहिए थी। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे वो जिस कंपनी में काम करते थे वहां का जो कंपनी का मालिक है उसके बड़े बड़े सपने हैं, उसके पास सब कुछ है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ लेना चाहता है, लेकिन हमारा क्या। हम तो काम करेंगे कंपनी में, लेकिन सपने उनके कंप्लीट हो गए, उनके घर में बड़ी बड़ी चीजें आएगी, लेकिन मेरे घर में क्या। उनका ड्रीम था कि उनको हेलीकॉप्टर लेना है, लेकिन मेरी कार आएगी कि नहीं मुझे पता नहीं। ये सारे चैलेंजेस लगते थे और इसीलिए हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जब इस बिजनेस को देखा, हम लोगों ने मतलब मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस को पहले देखा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस क्या है, कुछ क्या करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस में क्या देखा था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत सिखाया कि ये क्या चीज है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और फिर मैंने उनको साथ देना शुरू किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी कि इस बिजनेस में या एनी बिजनेस में अगर आप स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस जरूर आएंगे। विदाउट चैलेंज कोई भी काम नहीं है दुनिया में, सारे काम चैलेंजेस के साथ ही आते हैं। जब भी आप डिसीजन लोगे चैलेंज आएगा, लेकिन उस चैलेंजेस के ऊपर आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उस चैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इतना ही पता है, मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है कि हर चैलेंजेस को सॉल्यूशन होता ही है। ऐसा नहीं होता कि चैलेंजेस है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जैसे बोला जाता है ना कि हर लॉक के लिए एक चाबी होती है, ऐसा कोई लॉक नहीं बना कि जिसको चाबी नहीं है, हर लॉक के साथ चाबी बनती है, वैसे ही है हर चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन आता है। लेकिन उस सॉल्यूशन को हमें ढूंढना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को निकलना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना ही मैं बताऊंगी कि चैलेंजेस आएंगे। हमें 26 साल पहले इस बिजनेस को शुरुआत की थी तो बहुत चैलेंजेस आए थे, अभी अगर मैं देखूं तो बहुत सारे चैलेंजेस कम हो चुके हैं, अभी तो चैलेंज दिखता ही नहीं है, सब कुछ हाथ में है, घर में है। हमने शुरू किया था 6 प्रोडक्ट थे, आज न जाने कितने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है, अभी 6 प्रोडक्ट से ज्यादा कैटेगरीज है। पर जैसे अभी आपने सुना न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री, ये तो पावर ब्रांड है, हर एक को लगने वाले प्रोडक्ट है। आज दुनिया में अगर देखोगे, बाहर सोसाइटी में देखोगे, हर
को इतने हेल्थ चैलेंजेस है, उसके लिए सारा, उस हेल्थ चैलेंजेस के लिए सारा सॉल्यूशन हमारे पास है। न्यूट्रीलाइट के द्वारा हम दे सकते हैं। स्किन डिसीज, स्किन के प्रॉब्लम है, उनके लिए भी हमारे पास आर्टिफिशियल सॉल्यूशन है, जो हमें लोगों को सॉल्यूशन देना है और उनको हेल्थ के लिए, उनके चैलेंजेस के लिए हेल्प करना है और अपने आप को भी हेल्प करना है। तो इसी के साथ मैं अपने हस्बैंड के पास ये माइक देती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू माइक राम। नमस्कार सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज आज का ये जो सेलिब्रेशन जो रखा है हमारे आईएलएस टीम ने, मिस्टर अंकित एंड मेघा जी, तो ये बहुत एक स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि एमवे इंडिया इज कंप्लीटिंग 26 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया। सो भारत में 26 साल, मतलब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि हमने जो काम 5 मई 1998 को जो काम शुरू किया था, उसे आज 26 साल पूरे हो गए। और आज इस दोपहर को, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोपहर का टाइम, 2 बजे का सेशन, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जब हमें इस प्रोग्राम के बारे में अंकित जी का फोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि संजय जी, आपको आपके 26 साल के जर्नी के बारे में और चैलेंजेस के बारे में, आमतौर पे स्पेशली आपको चैलेंजेस के बारे में बात करनी है। तो मैंने जब सरोज जी को बताया कि हमें चैलेंजेस के ऊपर बात करनी है, क्या बात करें, तो मैं सच बताऊं दोस्तों कि हमें चैलेंजेस याद ही नहीं आ रहे थे। मतलब हमने जब ये बिजनेस शुरू किया, वो उस वक्त का जो एक टाइमिंग था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब लोग हमें हमें देखते हैं, और लगता है कि अरे हाँ, इन्होंने इतना अचीवमेंट कर लिया, इनका घर, इनकी गाड़ी, और इनका ये जो टाइटल है एग्जीक्यूटिव डायमंड, ये सारी चीजें, दिस इज एंड प्रोडक्ट। लेकिन जब हमने शुरुआत किया था, तब तो आप सब हमारे साथ नहीं थे, बहुत थोड़े से लोगों के साथ हमने शुरुआत की थी 1998 में। सबसे पहला जो चैलेंज आता है आम आदमी के जिंदगी में है, वो डिसीजन मेकिंग का चैलेंज आता है, क्योंकि आम आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या हो, मतलब कौन सा राइट डिसीजन लेना चाहिए, मतलब क्या करूं मैं। जब ये कभी भी आमतौर पे अगर देखा जाए, तो हम लोग जब, अगर आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ होटल में जाते हैं और आपको कुछ खाने के लिए या ऑर्डर करना है, तो हम मेनू कार्ड नहीं देखते, हम दूसरों के टेबलों के ऊपर देखते हैं कि लोग क्या खा रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग ऑर्डर करते कि नहीं चलो एक इडली सांभर लेके आओ। सो दिस इज द प्रॉब्लम मेनली, कि हम लोग जो है, वी आर नॉट प्रोग्राम टू टेक डिसीजंस। हम वी आर यू नो हमें बताया जाता है कि कैसे डिसीजन को फॉलो करना है, फॉलो का ये जो हम काम है, हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जब ये एमवे का बिजनेस आपके सामने आता है, तो आपको डिसाइड नहीं कर, क्योंकि ये बिजनेस अलग तरह का बिजनेस है ना। इस बिजनेस में कोई बड़ा शोरूम है ना, एम्प्लॉयज है ना, बड़े आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये बिजनेस फ्री में चालू होता है, ज्वाइनिंग इज फ्री, ज्वाइनिंग एज ए ADSP इज फ्री। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सक्सेस इज नॉट फ्री। ज्वाइनिंग में और सक्सेस में बहुत बड़ा अंतर है, और ये जो जर्नी है, इसे इसमें आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के पहले आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जब मैं हमारी बात बता दूं आपको, कि 1998 में ऑलरेडी आवर हैंड्स वेयर फुल। मैं एज अ मैनेजर एक कंपनी में काम कर रहा था, इनका एक फुल टाइम, एक इनका अपना खुद का बिजनेस था, छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं पर जाने के लिए आने के लिए टाइम नहीं था, पूरा हमारा शेड्यूल टाइट था। और आमतौर पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये हमारे पास टाइम नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, जो एक बट ऑब्वियस, जिसे बोलते हैं कि ये रीजन सामने आता है लोगों के पास टाइम। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि जो काम अभी हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग बिजी है, आर वी डूइंग द राइट थिंग। मेरे पास अच्छा टाइटल था, मेरा एयर कंडीशन ऑफिस था, प्यून था, असिस्टेंट थे, सब कुछ था, लेकिन क्या मैं ये सही, मैं जो जॉब कर रहा था, क्या वो मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है जॉब में। मैं वहां जब डिसीजन लेने की बात आई, तब मैंने मेरी बहुत सिंपल से देखा, जैसे इन्होंने बताया कि हमने कुछ लीडर्स को देखा कि जिन्होंने ये बिजनेस हमारे पहले शुरू किया था और बहुत सारा सक्सेस अचीव किया था, तो मैंने उनका और मेरा लाइफ को कंपेयर किया।
मैंने देखा कि अगर 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए मैं जॉब करता हूं, तो मेरे पास कौन सा, किस तरह का लाइफस्टाइल होगा। मैं अगर सिर्फ जॉब करता हूं, इनका जो खुद का एसटीडी जेरोक्स लाइब्रेरी का जो इंस्टीट्यूट, वो ये सब कुछ था, वो अगर वो करती है तो वो कहां तक अपनी लाइफ में जाएंगे, कौन से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ तरफ मैंने एक बैलेंस शीट में बनाया कि अगर मैं जॉब भी करता हूं और उसके साथ साथ एमवे भी करता हूं, तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है। तो जब मैंने बाकी लोगों को देख के मैंने ये अनुमान लगाया कि शायद 5 साल के बाद मुझे जॉब की जरूरत भी नहीं होगी, एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड। अच्छा, डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन के बाद हम बैठे नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हाँ करते हैं, डिसीजन करना है, एकदम स्ट्रांग होते हैं, जिसे हम स्टार्टअप हीरोज बोलते हैं कि हाँ करना है यार, ये मुझे मुझे डायमंड जाना है। यू नो, ये सब लाइफस्टाइल, ये सब कुछ देखने के बाद, रिकॉग्निशन देखने के बाद, अभी अभी बहुत सारे यू नो जो हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार्स हुए, बहुत अच्छी तरह से डायमंड्स को और ईडीसी को, यू नो डबल डायमंड्स को स्टेज के ऊपर बुलाया गया और उनका रिकॉग्निशन, सबको चाहिए ये रिकॉग्निशन। बट आर यू रेडी टू पे द प्राइस? दैट्स द बिग क्वेश्चन। क्योंकि लोग वो भूल जाते हैं फिर कि हमें यार इसमें काम भी करना पड़ता है। और सबसे पहले काम शुरू करने के पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे मनोज भैया बता रहे थे कि 100% प्रोडक्ट यूज, अभी लोग प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लोग दूसरों को प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसे करने के बाद आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ नहीं आएगा दोस्तों। जब हमने देखा कि एलओसी का बोतल जब मैं घर में लाता हूं, तो उसका इतना रुपए का, 350-400 रुपए का अगर बोतल है, लेकिन 1 लीटर का इतना 400 रुपया लगता है, लेकिन व्हेन आई डाइल्यूट दैट बोतल एंड इट गिव्स मी 165 लीटर्स ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन, तो मेरा पर लीटर कॉस्ट 2 रुपए से भी कम आता है। ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और सिर्फ आपको नहीं लेना है, आपको लोगों को देना है। जब हम लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं, तब लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, और उनको जब ये विश्वास आएगा कि ये प्रोडक्ट सचमुच क्वालिटी प्रोडक्ट है, तब आपके बिजनेस में टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री, ये स्किन न्यूट्रिशन, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, ये तो अभी की बात है, मैं 98 की बात कर रहा हूं। लोग तो प्रोडक्ट का बोतल हाथ में लेके ऐसे रख देते थे कि यार ये मैंने क्या देख लिया, 400 रुपया लीटर। हम तो मजाक से बोलते थे कि अगर किसी को बेहोश करना है, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, उसको एमवे का प्रोडक्ट का बोतल दिखा दो, वो प्राइस देख के बेहोश हो जाता है, डॉक्टर आके पूरा उसका अपना काम करेगा सर्जरी का, और फिर सिला दो उसको। ऐसे हम लोग पहले मजाक से बोलते थे, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि नहीं यार, एमवे के प्रोडक्ट मतलब दिखने के लिए महंगे, लेकिन यूज करने के लिए तो बहुत सस्ते हैं, और क्वालिटी तो बहुत ही बेहतरीन है। सो ये नॉलेज लेना पड़ता है। हमने देखा है कि लोग नॉलेज ही नहीं लेते, वो सिर्फ, आजकल एकदम इजी हो गया, सरोज जी ने बोला कि इजी हो गया, फोन पे सब, बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर, वीडियो फॉरवर्ड कर दो, ये ऊपर से मैसेज आया ट्रेनिंग है फॉरवर्ड कर दो, ये फॉरवर्ड का भी, आप फॉरवर्ड मैनेजर हो जाते हैं, आपका पैसा भी फॉरवर्ड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, आपका इनकम जो एमवे ने भेजने वाले थे वो और किसी को चला जाता है, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया ना आपने नॉल। एक तो सही डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन के ऊपर काम करना पड़ेगा, घर में नहीं बैठना है। तीसरी चीज है कि नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज। हमने मैंने जो निर्णय लिया है इस कंपनी के साथ जुड़ने का, ये निर्णय सही है या गलत है? आज भी 26 साल के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे बोलेंगे कि यार हमने एमवे बिजनेस किया, हमारा इतना पैसा डूब गया, उतना डूब गया, हमने बहुत गलती हो गया, हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो गया, मैंने इतने का ग्रुप बनाया था, बर्बाद हो गया। दोस्तों आज भी 26 साल के बाद आज भी मुझे लगता है कि 26 साल पहले मैंने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय था, वो एकदम बढ़िया निर्णय था, और इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हम उस निर्णय के साथ टिके रहे, जुड़े रहे। स्टिक टू दैट डिसीजन, टेक डीप नॉलेज। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोग आपको बोलेंगे महंगा है, बोलेंगे ये वापस कर देंगे, अभी तो किट नहीं आता है, अभी तो ज्वाइनिंग फ्री है, पहले किट आते थे 4,400, वो तो किट आपको वापस आएंगे, ला के फेंक देंगे आपके मुंह के ऊपर मारेंगे। लेकिन ये सब ना सुनने की आदत, ना झेलने की आदत, थप्पड़ खाने की आदत आपको लगानी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने निर्णय जो लिया वो सही निर्णय लिया। आप जो कर रहे हो वो सही काम कर, आप किसी को चीट नहीं कर रहे, आप किसी को गलत रास्ता नहीं दिखा रहे,
ये ऑनेस्टी का काम, ये सच्चाई का काम, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में हमें बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा और सही लोगों को चुन के इस बिजनेस में लाना पड़ेगा और अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा दोस्त। बहुत सारे लोगों का बिजनेस है, किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, काश एम्वे बिजनेस में लोग नहीं होते और प्रोडक्ट नहीं होते, ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपको बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए लोग भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट्स एंड पीपल। बट इसमें जब लोग आते हैं तो अपने ऊंचा, अपने जो विचार है, अपना जो बैगेज है, वो लेके आते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई मुझे तब आई जब मैं आई वॉज एज ए एम्प्लॉई, एक मैनेजर करके मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, जब वो एम्प्लॉई मेंटालिटी लेके मैं इस बिजनेस में आया और ये बिजनेस है ये समझने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। बिजनेस चलाने के लिए एक बिजनेस मेंटालिटी का होना जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी का जरूरी होता है। आजकल तो इतना आसान है, पीडीएफ आया, मंथली बुलेटिन May 2024, ऑल द अपडेट्स, न्यू लॉन्चेस, प्रमोशन, बस फॉरवर्ड कर दिया, किसी को प्लान दिखा दिया, उसको प्रोडक्ट लिटरेचर वगैरह फॉरवर्ड कर दिया, वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, टेस्टिमोनियल्स हो गया। पहले के जमाने में हम जब प्लान दिखाते थे या हेल्थ के बारे में या हेल्थ प्लान दिखाते थे, हम लोगों को फॉलो अप पैक देते थे, 300-400 सीडियां होती थी, बुक होते थे, ब्रोशर्स होते थे, उसमें अच्छे से एक पैकेट में डाल के उसको देना पड़ता था। 400-500 रुपए का एक फॉलो अप पैक होता था। सक्सेस प्रोफाइल नाम की किताब आती थी, उसमें बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के लिटरेचर वगैरह ये सब काम होता था, ये सब देना पड़ता था। वो किताब 600 रुपए की होती, लोग अपलाइन को मांगते थे, हाँ मुझे वो किताब दे दो, मुझे फॉलो अप पैक दे दो, क्यों डाउनलाइन को देना। इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी नहीं है। फ्री सैंपल्स की जो बात कर रहे थे मनोज जी, एग्जैक्टली, फ्री सैंपल्स देना पड़ेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा। सो ये इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, एम्प्लॉय मेंटालिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है। 18 साल मैंने कंपनी में काम किया, 1 तारीख से 30 तारीख तक मैंने काम किया, और हो सकता है जब भी आपका सैलरी का डेट हो, 5 तारीख हो 10 तारीख हो, जब भी है, आपके अकाउंट में सैलरी आया। बस व्हाट इफ आपका सैलरी जमा नहीं होता है? हेलो, मेरे साथ तो 18 साल में एक बार भी नहीं हुआ। एक महीना काम किया सैलरी जमा। जब आप एमवे में आते हो तो क्या होता है? 1 महीना काम किया नो इनकम, 2 महीना काम किया नो इनकम, 3 महीना काम किया नो इनकम, 6 महीना काम किया। फिर लोग बोलते हैं, यार मैंने 6 महीना काम किया, बहुत काम किया एमवे में, इसको बोला, उसको बोला, ये बोला, ऐसा, ये बोलता है महंगा, ये बोलता है करके छोड़ा, ये किया, ये कंपनी भाग जाई थी कि ये तो क्या हो गया, अभी सब लोगों का एमवे पता है, ऐसा करके फिर वो 6 महीने के बाद ठंडे हो जाते और फिर बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं और वो सिर्फ एक प्रोडक्ट यूजर बन के रहते हैं। पता नहीं वो बाद में प्रोडक्ट भी यूज करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ वो महंगाई का ठप्पा है, क्योंकि ज्वाइन करते हैं लोग एज ए ADSP, लेकिन दिमाग में तो वो प्रोडक्ट महंगा, यही ठप्पा निकलते नहीं जाता, लगता है कि ऐसे कोई प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है। मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रांसफर योर सेल्फ फ्रॉम अ एम्प्लॉय मेंटालिटी टू अ बिजनेस मेंटालिटी। लाइक, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अच्छे कपड़े पहनना, हम मीटिंग में जा रहे हैं, आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? आज सबसे बड़ा चैलेंज है वीडियो ऑन करना, क्योंकि वीडियो किस लिए? जब खाना, वीडियो बंद करके खाना हो सकता है, टीवी देख सकता हूं, गप्पे मार सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, तो वीडियो क्यों ऑन करना? तो इसका मतलब आप वो मीटिंग में है ही नहीं है। अंकित जी इतनी बार बार बोल रहे कि आप वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप बिजनेसमैन है ही नहीं है, आपने ओनरशिप लिया ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इमेजिन करो, एमवे का पहला फंक्शन मैंने यहां से मुंबई जाके अटेंड किया, व्हेन माय इनकम वाज जीरो, मेरे डाउनलाइन में एक भी बंदा नहीं था, मेरा पीवी भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 9th May 1998 को मैंने पहला फंक्शन एमवे का देखा और उसका टिकट था 250 रुपया, 250 रुपीज, जाना आना और वहां से वो सेमिनार देख के आना, ये सारी चीजें दोस्तों। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अलग हूं आपसे, मैं कुछ कोई 30 मार खान हूं, मैंने बहुत सारी अलग चीजें की, नहीं, ये चीजें की इसीलिए ये सक्सेस हमें मिला।
ये हम जो आज अनुभव कर रही है, जो लाइफस्टाइल हमारे साथ है, ये इसीलिए, ये 26 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोग खुद को बदलना है नहीं चाहते, चैलेंजेस को फेस नहीं करता, चैलेंज आ गए तो भाग जाते हैं लोग। अभी देखिए, अभी बहुत सारे चैलेंजेस, एमवे 26 साल में एमवे अपने आप के लिए कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन एमवे डटी रही। सबसे अगर कुछ अगर सीखना है तो हम तो एमवे को देखते लाइक अ रॉक सॉलिड, दे आर देयर। हमने कंपनी के फाउंडर्स के जो बेटे डग डियोस उनको सुना है, रिच डियोस के जो बेटे उनको डग डियोस को सुना है कि एमवे इज गोइंग टू बी हियर, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ये मत समझना कि एमवे के ऊपर ये चैलेंज आया इसीलिए एमवे कहीं जा रही है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं आपके साथ, और आपके भविष्य के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सो दोस्तों, ये जो जो स्ट्रांग जो है ना, टफनेस जो है ना, हमें एमवे से सीखना पड़ता है। हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। हमें अभी देखिए, जी हाँ, अभी हमने कोई प्रोडक्ट, एमवे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, आप सब लोगों ने ये देखा होगा, वो गमीज गमीज आए थे बहुत सारे, लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, या जो भी टाइमिंग या फोरकास्ट या जो भी है। अभी ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता गमीज को विड्रॉल किया गया, ठीक है। तो क्या एमवे ने जो गमीज बनाए, आपका क्या लॉस हो गया उसमें? एमवे ने उसके लिए कितना डिजाइनिंग किया होगा, फॉर्मुलेशन किया होगा, पैकेजिंग, मशीनरी लाई होगी, प्लांट डाला होगा, सब कुछ किया होगा। अभी वहां पे कुछ नहीं बनता क्योंकि एमवे इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी गमीज। हमारा रख पाला, अरे भैया आप ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हो जब प्रॉफिट में तो आपको प्रॉफिट देती है, लेकिन लॉस में आपको लॉस नहीं देती है, लॉस अपने पास रखती है। हेलो, ये लोगों को समझना चाहिए। दिस इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एमवे बिजनेस कैसे अलग है। विदाउट एनी कॉस्ट हमें बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है, सिर्फ हमें नॉलेज लेना है। अभी आज आज जो जो हेल्थ फर्स्ट अप्रोच जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें एक खुद डीप नॉलेज, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये रास्ता है। एक कम्युनिटी हो गई, दूसरी मॉर्निंग न्यूट्रिशन और गट हेल्थ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सारी एक 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 उसमें वर्टिकल्स ऐड होते जा रहे हैं अंडर वन अम्ब्रेला। और इतना सारा नॉलेज दिन भर देखो इनके सेशंस चालू होते हैं, रहते हैं, फ्री सेमिनार्स, फ्री सेमिनार्स। अभी जो हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार, किसने कुछ पैसा दिया? अरे भैया ऐसा सेमिनार अटेंड करने का हमने 800 800 900 900 रुपए दिए हैं, और इतना सारा अरेंजमेंट, ब्यूटीफुल क्लास वन अरेंजमेंट, ये सब किया है। तो मेरे ख्याल से एमवे बिजनेस को आज बिल्ड करना मतलब बहुत ही आसान है। हम अपने हमारे अगर असली चैलेंजेस हम आपके साथ शेयर करेंगे तो शायद आप सब भाग जाएंगे, राइट? लेकिन हम थैंक यू बोलते हैं, एमवे को हम थैंक यू बोलते हैं गॉड को, क्योंकि भगवान ने वो सुबुद्धि दी इसमें रहने की, इसमें टिकने की, इसमें ज्यादा नॉलेज लेने की। इतने सारे चैलेंजेस हमें बिजनेस बिल्ड करते, हम जा रहे थे पूना से सोलापुर जा रहे थे बिजनेस मीटिंग के लिए, रोड एक्सीडेंट हुआ, दोनों मेजर हमें चैलेंज हुआ, दोनों बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, बट विद द गॉड्स ग्रेस, आप लोगों की जैसे जीरो लोगों की दुआएं है, वेल विशेस है, उससे हम लोग वी आर वी गॉट द सेकंड बर्थ, दूसरा पुनर्जन्म हुआ हमारा इस बिजनेस में। और वो हमने उसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो गया, हमारा डिसीजन और स्ट्रांग हो गया कि यार भगवान तो उसी वक्त ये सब खेल खलास कर सकता था, उसी वक्त सब कुछ फिनिश हो सकता था, लेकिन भगवान ने अगर हमें जिंदा रखा है तो इसका एक ही और एक ही कारण हो सकता है कि हमसे और कुछ लोगों के और लोगों के लाइफ में चेंज आना बाकी है, और बड़ा काम हमसे होना बाकी है, इसलिए शायद हम भगवान ने हमें रखा। सो दोस्तों, मैं यही कहूंगा एमवे का बिजनेस के बारे में, द मोस्ट हॉटली डिस्कस्ड एंड हाईली मिसअंडरस्टूड कॉरपोरेशन ऑफ द सेंचुरी, द मोस्ट हॉटली डिस्कस। इसके बारे में गलत फहमियां बहुत है। आप जैसे इसके इसमें डीप जाओगे तो आपको चैलेंजेस ज्यादा आएंगे और लगेगा कि यार अभी ये तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। जैसे आप एक आध टनल में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, पूरा अंधेरा है, आंखों में उंगली डालो तो भी दिखता नहीं है, बट आपको पता है कि एंड ऑफ द टनल देर इज अ लाइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता है कि जब टनल जब खत्म होगा लाइट दिखेगी। जैसे अगर आपको देखिए
हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ एक जो फार्मर जो है, किसान जो है, उसको तो खेती करनी पड़ती है, उसको पानी तो चाहिए। आजकल देखिए पानी का कितनी किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है सब कुछ। तो अगर आपको कुआं खोदना है, और कुआं खोदने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले टूल्स चाहिए। आप चम्मच से कुआं नहीं खोद सकते हैं। यू नीड टू हैव राइट टूल्स। आपके पास राइट टूल्स क्या है? आपका नॉलेज, आपका स्ट्रांग डिसीजन, सोर्स ऑफ योर नॉलेज, ये सारे टूल्स है आपके पास। बराबर फोन, अभी फोन में सब कुछ होता है। तो फोन में आपने बराबर डायरेक्टरी बनाई, फोल्डर्स बनाए, वहां पे सब कुछ रखा है, लाइनअप किया है, आपके पास प्रॉपर कस्टमर की लिस्ट है, उनका फॉलोअप। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। लर्न फ्रॉम द जो हमें ट्रेनिंग सेशन मिलते हैं, या आपके अप्लायंस है, आपकी टीम से। सो सबसे पहले टूल्स, राइट टूल्स होने चाहिए आपके पास। दूसरा ये होता है कि जब आप खोदना, आपको कोई पता, हाँ यहाँ पानी मिलेगा, ये जगह है, यहाँ कोई तो उसको आइडेंटिफाई करेगा जगह, वो एक एक्सपर्ट होता है, और वहां पे जाके आप काम खुदाई का काम शुरू होता है। तो जब खुदाई होती है तो पहले क्या निकलता है? मिट्टी धूल मिट्टी। और धूल मिट्टी इतनी निकलती है कि जो आमने सामने वाले को दिखते ही नहीं, लोग उसी धूल में गायब हो जाते हैं। लेकिन जब आप खोदते जाओगे खोदते जाओगे खोदते जाओगे, वो धूल और मिट्टी है ना, वो सेटल होना चालू करती है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा और उसमें से मिट्टी, जिसे वो लगना चालू हो जाता है मोर, राइट। सो फिर धूल मिट्टी, फिर पता चलता है कि कोर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सही हंगर हंगरी कौन है, सही नॉलेज के लिए हंगरी कौन है, सही एज अ बिजनेस इसको कौन बिल्ड कर रहा है, कौन स्टूडेंट है ये बिजनेस में, वो दिखना चालू होता है। देन यू स्टिल कीप ऑन डिगिंग इट। आप खोदना चालू रखते हैं, क्योंकि पानी तो मिला नहीं अभी तक, सक्सेस तो मिला नहीं, पैसा तो आया नहीं। फिर और खोदते और खोदते, तो उसके बाद में नीचे पत्थर यानी कि रॉक लगना चालू होता है। जैसे ही पत्थर अंदर नीचे जो रॉक मिलता है, तो आपके जो टूल्स है वो भी थोड़े से काम करना बंद करते हैं, फिर अलग टूल्स वहां पे यूज, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का नॉलेज, नेक्स्ट लेवल के एक्टिविटीज, नेक्स्ट लेवल के एक्शंस, नेक्स्ट लेवल का टीम, यो जो बिल्कुल टीम एक्टिविटी बोलो या टीम बिल्डिंग बोलो, ये आपको करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो रॉक मिलना चालू हो गया। फिर वो सब तैयारी के बाद आप दोबारा शुरू करते हैं, और फिर वहां खोदना शुरू करने के बाद फिर एक जगह कहीं से आपको वो उम्मीद दिखती है कि यहां यार गीला हो रहा है, यहां पानी लग रहा है, हेलो। और इसका मतलब आपको पता था ये बहुत हार्ड जा रहा है, लेकिन जब ये हार्ड जा रहा है, इसका मतलब ही इसके बाद में सक्सेस है, इसके बाद में पानी निकलने वाला है, इसके बाद में सक्सेस मिलने वाला है। और आप खोदना खोदना चालू रखते हैं, और वहां से फिर पानी बाहर आ जाता है। एंड दैट इज हाउ यू कीप ऑन डिगिंग, कीप ऑन। फिर आपको जितना चाहिए उतना आप खोदते, और आपकी जो आपका जो कुआ है उतना बड़ा बनाते हो, बहुत सारा पानी जमा होता है, फिर बहुत सारा पानी आप पीते हो, अपनी बीवी को देते हो, बच्चों को पिलाते हो, सब पीते हैं, आपकी जो टीम है वो सब सब एंजॉय करते हैं, बिकॉज बहुत सारा पानी उसमें आ गया है। लेकिन जब जाने का वक्त आएगा, आ जाएगा, कोई भी वो कुआ, मेरी अच्छी गाड़ी है, मेरा अच्छा घर है, वो तो कोई लेके दे नहीं जाएगा। उसी तरह ये एमवे इनकम जो है वो पीछे रहने वाला है। तो ये इनकम आप किसी को दे सकते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन हो, या ये इनकम विलेबल है। सो यू कांट टेक टेक दैट वेल विथ यू, ये इनकम आपके साथ नहीं लेके जा सकते। सो दोस्तों ये भलाई का काम है। आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे कि इस पैसे से हमको